नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त मेरे साथ हैं संत कबीर नगर के सांसद शरद त्रिपाठी जी। शरद त्रिपाठी जी तो वैसे तो अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त शरद त्रिपाठी जी अपने एक वीडियो को लेकर काफी चर्चा में हैं जिसमें उन्होंने जूते चलाए थे। शरद त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। शरद त्रिपाठी जी, आपके बारे में इस वक्त चर्चा ये चल रही है कि अगर शरद त्रिपाठी के पास जाना हो तो गार्ड्स अप करके जाने चाहिए। मैं इस वक्त आपके पास बैठी हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और जिस प्रकरण की बात आप कर रहे हैं पूर्णिमा जी, उसे मैं एक दुर्घटना मानता हूँ। और आ गई बात तो उस समय की जो परिस्थिति थी, तो वह इसके पहले की हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं रही कि मेरे द्वारा इस तरह का कभी कोई कृत्य किया गया हो। और आत्मरक्षार्थ में उस समय जो स्थिति बनी, वह एक तरह से आत्मरक्षार्थ हमको उसका प्रयोग करना पड़ा, लेकिन वह बहुत ही हमारे लिए खेदजनक है। और उसका नहीं, आप कह रहे हैं आत्मरक्षा में आपने जो है ऐसा कदम उठाया, लेकिन आप एक सांसद हैं, शोभा देता है आपको ऐसे एक बैठक में एक नाम पट्टी के लिए इस तरीके से जूते उठाना और अपने विधायक बघेल जी को पीट देना? नहीं, उसमें आप अगर पूरा उसका सिलसिलेवार पूरा अगर आप देखिए वीडियो, तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट है कि परिस्थितियाँ निर्मित कैसे हुई और उस परिस्थितियों का आधार क्या था। उसे मैं बहुत विस्तार का रूप नहीं देना चाहता हूँ कि पहले से ही उसकी पूरी चर्चा परिचर्चा आप सबके माध्यम से पूरे उसका नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको शोभा देता है इस तरीके से जूते उठा के चलाना सबके सामने? कि वह घटना हमारे लिए दुर्घटना थी और उसका हमें खेद है। माफी मांगते हैं आप उसके लिए? मैं कह दिया उसका हमें खेद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आपको नहीं लगता कि आपको अपने विधायक से कम माफी के शब्द या कम से कम उस जनता से जिसने आपको चुन के भेजा है उससे आपको कम से कम माफी मांगनी चाहिए? उस दिन की सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई है और जो भी उसके परिपेक्ष में हमको कहना था, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया हूं और हमारे पार्टी का जो भी आगे आदेश होगा वो हमें उसका पालन करना। आपने गिने थे कितने जूते मारे शरद त्रिपाठी? वो घटना की ही हमारे लिए मैं बार बार उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। वह घटना का हमें खेद है और वह दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसलिए उस पर मैं कुछ अब विस्तारपूर्वक कोई चर्चा नहीं करता। आपको पता है इस वक्त सोशल मीडिया पे आपको लेके बहुत सारे जोक्स चल रहे हैं, जिसमें से एक जोक मैं आपको बता रही हूँ। एक जोक ये चल रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि आप आइए तो, लेकिन शरद त्रिपाठी को मत लेकर आइए। नो कमेंट। लेकिन आपको अच्छा लगता है इस तरह से सोशल मीडिया पर आपके बारे में इस तरह की बातचीत हो रही है? शरद त्रिपाठी जी, बताइए कि ये जो जूते अभी आप पहने हैं वही वाले जूते हैं या फिर बदले हैं? अरे नो कमेंट। मुझे लगता है कि आपको, सीरियसली मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। खेद आप प्रकट कर रहे हैं, लेकिन माफी मांगनी बहुत जरूरी है शरद त्रिपाठी। सारा विषय मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के सामने रख चुका हूं और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व सारी चीज़ों से अवगत है और जैसा हमारे पार्टी का निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। आपकी टिकट कट सकती है, इस तरह की खबरें हैं? खबर क्या क्या है? खबर तो बहुत कुछ है, अभी आप उसके बारे में पूछ रही थी, तो क्या हर खबर क्या है, उसका आधार क्या है? तो हमारा, अब ये जानता हूँ मैं पार्टी का एक अपने सिपाही हूँ और पार्टी हमारे लिए जरूर सोचेगी, जो भी सोचेगी अच्छा सोचेगी। मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, आप खेद जता रहे हैं लेकिन आप माफी नहीं मांगते? जो विषय था विस्तार पूर्वक मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, उनके सामने सारी बातें इस पर हो चुकी है। एक आखिरी कमेंट आपसे ले रही हूँ मैं वाइंड अप करने से पहले। आपने संत कबीर दास पे किताब भी लिखी है जिसका विमोचन खुद प्रधानमंत्री साहब ने किया और आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोली थी, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है ये सुन के, ये सोच के कि संत कबीर दास पे आपने किताब तो लिखी लेकिन वो मूल्य उस दिन गायब हो गए जब आपके हाथ से जूते आपके विधायक जी पे लगातार चलते जा रहे थे। ऐसा है कि मैं इसके बारे में जब कह दिया कि वो एक दुर्घटना थी, बहुत अच्छा कभी कभी चालक रहता सड़क पर और उससे कभी एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत अच्छे मूल्यवादियों से भी कभी कभी उसके मूल्य का अवमूल्यन हो जाता है, तो उसको तो मैं बहुत अच्छा नहीं मान रहा हूँ कि नहीं बहुत ही वो अच्छा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, आप मैं मान रहा हूँ उसको एक्सीडेंट हो गया। तो अभी तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा? पर जो भी हमको कहना था वो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को बता चुका हूँ
अब इस पर हमें कुछ नहीं देखा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे शरद त्रिपाठी जी को, और कहना है यहाँ पर शरद त्रिपाठी जी का कि उन्हें खेद है, दुर्घटना हुई, उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इसे लेकर वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं। कैमरामैन मुनीश के साथ पूर्णिमा मिश्रा, TV9 भारतवर्ष।